अगर आप सिलाई करते हो तो आप सूट बनाते हैं, ड्रेस बनाते हैं, तो साइड में से कुछ कपड़ा बच जाता है, तो इस बचे हुए कपड़े से आप क्या करती हो, आप अक्सर उस कपड़े को यूजलेस समझ के फेंक देते हो। तो देखिए, वो कपड़े से आप बहुत ही सुंदर और डिज़ाइनर कुर्तियाँ बना सकते हैं। अगर आप किसी और के भी सूट या ड्रेस गाउन सिलते हैं तो साइड में से काफ़ी कपड़ा बच जाता है, उस बचे हुए कपड़े से और साथ में और कपड़ा मिक्स मैच करके, जैसे कि 3-4 सूट में से बचे हुए कपड़े को मिक्स मैच करके और कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के आप बहुत ही सुंदर पार्टी वियर एकदम न्यू कुर्ती बना सकते हैं। तो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं इसी टाइप की कुर्तियों की डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि बचे हुए कपड़े का यूज़ करके डिज़ाइनिंग करके बनाई गई है। तो देखिए, दो प्लेन बचे हुए फैब्रिक से इस तरह की कुर्ती बना सकते हैं, या दो प्रिंटेड फैब्रिक बचे हुए हैं उससे इस तरह की कुर्ती आप बना सकती हो, या फिर प्लेन और प्रिंटेड बची हुई कपड़े का यूज़ करके भी आप स्टाइलिश कुर्तियाँ न्यू डिज़ाइन की बना सकती हैं। और इन कुर्तियों को पहनने के बाद लगेगा ही नहीं कि इनको बचे हुए कपड़े का यूज़ करके बनाया गया है। देखिए, आपके बेकार कपड़े भी रीयूज़ हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका लुक भी स्टाइलिश आएगा। और देखिए, इन डिज़ाइन की कुर्तियों को आप किसी भी तरह के बॉटम के साथ भी वेयर कर सकते हैं, जैसे आप जीन्स पैंट के साथ पहन सकते हो, सलवार के साथ, या कोई आपके पास पैंट रखी है, लेगीज रखी है, या प्लाजो रखा है, सलवार रखी है, किसी भी तरह के बॉटम के साथ आप इन डिज़ाइन की कुर्तियों को वेयर कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट से भी आजकल जो रेडीमेड कुर्तियाँ खरीद के चाहेंगे तो उसमें एक ही कुर्ती में 3-4 तरह का कपड़ा डिज़ाइनिंग के तौर पे लगा हुआ होता है, तो उन कुर्तियों को भी बचे हुए फैब्रिक का यूज़ करके बनाया जाता है। तो इस पैटर्न में आप भी कुर्तियाँ बना सकती हो। देखिए, अगर ज़्यादा फैब्रिक बचा हुआ है तो उस हिसाब से आप कुर्ती बना सकती हो, अगर आपके पास कम फैब्रिक बचा है तो उस हिसाब से डिज़ाइन चूज़ करके आप अपने लिए कुर्ती बना सकती हैं। आप एंड आप पैटर्न में कुर्ती आप बना सकते हो, फ्रंट पैनल देखकर आप बना सकते हो, शेयर पैटर्न में कुर्ती आप बना सकते हैं। और देखिए, कुर्ती की लेंथ बढ़ाने के लिए भी आप बचे हुए फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो कुर्ती की बाजू में भी बचा हुआ फैब्रिक लगा सकते हैं, कुर्ती में घेर देने के लिए, गैदर देने के लिए भी आप बीच में बचा हुआ फैब्रिक गॉर्डेट के रूप में लगा सकते हैं, जिससे आपकी कुर्ती काफ़ी घेरदार हो जाएगी। अब देखिए, आप जैकेट स्टाइल, श्रग स्टाइल कुर्तियाँ पहनना चाह रहे हैं तो भी आप इस तरह से फैब्रिक से आप बना सकती हैं। अब देखिए, अगर आपके पास आधा मीटर ही बचा हुआ फैब्रिक रखा हुआ है, साइड में टुकड़े टुकड़े रखे हैं, तो कुर्ती बनती है 1.5 मीटर में, कोई सी कुर्ती 2 मीटर में भी बन जाती है। तो आप मार्केट से 1.5 मीटर या 1 मीटर फैब्रिक लाकर और उस कलर के फैब्रिक का यूज़ करके डिज़ाइनर कुर्ती बना सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कुर्ती डिज़ाइन, सूट डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन और डिज़ाइनर सूट और कुर्ती कटिंग स्टिचिंग की कई सारी वीडियो हैं और प्लेलिस्ट भी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आई होप कि आपके लिए पसंद आएगी, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे न्यू वीडियो आती है इन्हीं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डेली भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं जो भी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ या फिर कुर्ती डिज़ाइन करती हूँ तो उससे रिलेटेड इमेजेस, रील्स और वीडियोस वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ जाइए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो भी आप वहाँ पर मुझे मैसेज या DM कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए भी ट्राई करूँगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी कुर्ती की डिज़ाइन सबसे अच्छी लगी है।